ज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्न मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मणिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्विरध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवैरं सर्वलोकेकनाथं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदाय सांग पदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। कस्तूरी तिलकमललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमुक्तिकम् कर्तले वेणु करे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनम् सुललितम् कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि। आइए मेरे बहन भाइयों, श्रीमद् भागवत गीता का सत्संग समारोह बड़ा स्वीट है, बड़ा मीठा है। जो भी भाई इसका पान कर रहे हैं उनको भगवान की भक्ति अवश्य मिलेगी, भगवान का प्रेम मिलेगा, भगवान की कृपा मिलेगी। श्रीमद् भागवत गीता में 9वें अध्याय में 12वां श्लोक है। आइए विराजमान हो जाइए और दोनों हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम कीजिए मेरे साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। ओम शांति शांति शांति। जय गोपाल। श्रीमद् भागवत गीता श्लोक संख्या 12। श्री भगवान उवाच, भगवान बोले, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए कह रहे हैं उन लोगों के लिए जो मूर्छित अवस्था में अपना जीवन जीते हैं, उन लोगों के लिए, उन लोगों के विषय में बतला रहे हैं जो भगवान को नहीं पहचानते। अवजानंति माम मूढ़ा मानुषीम तनुम आश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। ये मूर्छित लोग मेरी परम भावना को, मैं मनुष्य के जैसे शरीर में रहता हूँ इसलिए मुझे नहीं पहचानते, मेरी परम भावना को नहीं पहचानते। ये अपने जैसा ही कोई व्यक्ति मुझे जानते हैं जब मैं कभी
इस धराधाम पर कोई लीला करने के लिए आता हूं, जहां पर भी, क्योंकि भगवान को पहचानने के लिए भक्ति जरूरी है। किसी को पहचानना है आपको तो उनके नजदीक जाना पड़ेगा, उनसे प्रेम करना पड़ेगा, प्रेम से सारा भेद खुल जाता है। प्रेम ऐसी चाबी है जिससे सारे खजाने खुल जाते हैं, सारे भेद खुल जाते हैं। प्रेम, प्रेम से किसी का भी हृदय की बात आप जान सकते हो, क्रोध से नहीं, दंड से नहीं, भेद नीति से नहीं, अपनी अकल से नहीं, आंखें दिखाकर नहीं, फुसलाकर नहीं, रिश्वत देकर नहीं, एकमात्र प्रेम से आप किसी के भेद की भेद की भेद के तले तक जा सकते हो, भेद की तल को पा सकते हो। रहस्य में बात बता देता है प्रेमी अपने दूसरे प्रेमी को। तो प्रेम से भगवान कहते हैं, प्रेम से मुझे कोई पहचान सकता है भक्ति से। तो आप, मैं तो आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप प्रेम करना शुरू कीजिए आज से। ये तो कोई लॉस, हानि की बात नहीं है। अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, बच्चों से प्रेम करते हैं, अपने घर से प्रेम करते हैं, अच्छी बात है। अपनी कार से प्रेम करते हैं, ऐसे ही आप दूसरों से भी प्रेम कीजिए। पड़ोसी से ही नहीं, अपने देशवासी से ही नहीं, अपने मनुष्य जाति से ही नहीं, पक्षियों से भी प्रेम कीजिए, पेड़ पौधों से भी प्रेम कीजिए, आसमान के तारों से, सितारों से, सूर्य से, पृथ्वी मां से, सभी से प्रेम कीजिए। तो ये प्रेम या तो आप यहां से शुरू कर दीजिए, या फिर जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रेम की मूर्ति हैं, वहां उनके चरणों से शुरू कर दीजिए। किधर से भी, जिधर से भी आपको रुचि कर लगे, उधर से प्रारंभ कर दीजिए। आप समस्त प्रेम को पालेंगे, प्रभु को पहचान लेंगे, उनको रिझा लेंगे, उनके धाम को पालेंगे, परमानंद को प्राप्त होंगे। ये भागवत गीता का संकेत है, भगवान का उपदेश है, भगवान की दी हुई शिक्षा है जो भगवान से मिलाती है। तो मूर्छित अवस्था में जीने से आदमी भगवान को नहीं पहचान सकता। मूर्छित अवस्था में जीने से आदमी अपने आप को नहीं पहचानता कि मैं कौन, कहां से आया हूं, क्या मेरे कर्तव्य हैं और आगे क्या होगा, कहां जाना है, नहीं पहचान। फिर दूसरों को कैसे पहचानेगा, अपने को ही नहीं पहचानता तो। फिर वो मालकियत जमाता है कि ये मेरा है और ये मैं हूं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा घर है, ये मेरी कार है और ये मैं हूं, मुझे पता नहीं कौन ईश्वर है। तो ये असुर बुद्धि है कहलाती है। इस विषय में भगवान यहां पर ये श्लोक में कह रहे हैं अर्जुन की, अर्जुन को, मोगाशा मोग कर्मणो, मोगाशा मोग कर्माणो, मोग ज्ञाना विचेत सह, विचेत सह, जिनको चेत नहीं है, जो मूर्छित है, होश नहीं है, बेहोशी में जीवन जीते हैं, उनको कहा है विचेत सह, जिनको चेत ही नहीं, होश नहीं है, सो रहे हैं खर्नाटे भर के, अंधकार में जा रहे हैं न जाने क्या क्या करते हुए, आसुरी बुद्धि से, राक्षसी बुद्धि से, मोगाशा, उनके हृदय में व्यर्थ की आशाएं रहती हैं, बड़े बड़े आशाओं के पुल बांधते हैं, और आशा तो किसी की पूर्ण हुई नहीं इस संसार में। आशा और तृष्णा कभी किसी की नहीं मिटी। जिन राजाओं के पास बड़े बड़े महल थे, उन्होंने भी और दूसरों राजाओं के ऊपर आक्रमण किया, दूसरे प्रदेशों पर,
और एक महल के 10 महल बनाना चाहा, लेकिन फिर भी वो निराश ही रहे। आशा कभी खत्म मिटती नहीं है संसार की, बढ़ती जाती है अवश्य। एक गरीब आदमी आशा करता है कि मेरे पास एक सुंदर सा घर हो जो मैं मेरे बच्चों को पालूं, थोड़ा बहुत 10-20 हजार रुपए बैंक में पड़े हों, इमरजेंसी में मेरे काम आए, इससे बड़ी आशा नहीं होती। लेकिन एक जो मिलियनर्स है और बिलियनर्स है, उसकी तो आशा बहुत बड़ी होती है, 10 गुना बड़ी होती है। बिलियनर्स 1 बिलियन के 10 बिलियन बनाने को उत्सुक होता है, प्यास जागृत होती है उसकी, तृष्णा भभकती है। अब ये 10 बिलियन बनाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन प्यास को बुझाना चाहता है। जैसे एक प्यासा आदमी क्या करेगा, बहुत प्यासा यदि हो कोई तो क्या करेगा, प्यास बुझाने के लिए सारे काम छोड़ देगा और प्यास बुझाना चाहेगा, चाहे उस प्यास बुझाने के लिए कुछ भी करना पड़े, चोरी से किसी के दुकान से बोतल भी उठानी पड़े या 100 कोस जाना पड़े पानी के लिए। सिकंदर गुजर रहा था एक बार रेगिस्तान से, एक फकीर एक बाबा जी मिल गए उनको, हाथ में लोटा था उनके में पानी का, और सिकंदर बड़ा प्यासा था, इतना प्यासा था कि थोड़ी आधा घंटे भी पानी नहीं मिले तो शरीर छूट जाए। अब मूर्छित हुआ, प्यास से घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था, पानी की तलाश में इधर से उधर घोड़े को दौड़ाने की चेष्टा करता था। आखिर वो बाबा जी प्रकट हो गए, वहां मिल गए उनको कि सिकंदर प्यासा है। बोला हाँ बाबा मैं प्यासा हूं, क्या जल है तुम्हारे पास? बोला हाँ मेरे पास 1 लोटा जल है, ये जल मैं तुमको दे सकता हूं लेकिन ऐसे नहीं दूंगा, तुम बड़े सम्राट हो, मुझे क्या दोगे इसका इसके बदले में बोलो, तुम्हारे कुछ ही देर में प्राण निकल जाएंगे, आंखों में प्राण आ रहे हैं, शरीर गिर शिथिल होता जा रहा है, बोलो ऐसी अवस्था में, और चारों तरफ रेगिस्तान में जल नहीं है, यही मेरे पास ही जल है 1 लोटे में, क्या दोगे? बोलते यदि आप ऐसी बात है कि बिना लिए दिए जल नहीं देते और पूछते हो क्या दोगे, तो मैं आपको मेरी जान की रक्षा के लिए मेरी आधा राज्य भी दे सकता हूं, लेकिन मुझे जिंदा रहना है। ठीक है सिकंदर, लेकिन मैं तुमने बहुत अच्छा बोला है, लेकिन मैं आधे राज्य में तुम्हारे आधे राज्य में जल को नहीं देना चाहता, और तुम अब मरने वाले हो, अब मरे फिर भी तुम और थोड़ा बढ़ा नहीं सकते कुछ, आधे राज्य में तो मैं नहीं दूंगा। सिकंदर कहता है कि अगर ऐसी बात है कि मैं मरने वाला हूं और आप मुझे आधे राज्य में भी ये जल का लोटा नहीं देना चाहते, तो मैं कहता हूं मैं मेरा पूरा राज्य भी तुमको दूंगा, लेकिन मैं मेरी प्राण रक्षा तो करूं। सिकंदर आप ठीक बोला, तुम पूरे राज्य को देना चाहते हो इस 1 लोटे जल के बदले में, तो आप सोचिए कि तुम्हारे राज्य की तमाम राज्य की कीमत क्या है, 1 लोटा जल। अरे भले आदमी मैं तो मजाक कर रहा हूं, ये ले जल पी ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो जंगल का राजा हूं, महात्मा हूं, फकीर हूं, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मैं तो बात कर रहा था कि तुम चारों तरफ ये त्राहिमाम हो रही है, लोग दुनिया मार काट मचा रहे हो, 1 देश जीतूंगा, 2 देश जीतूंगा, पूरा विश्व जीतूंगा, पूरा धन विश्व का मेरे खजाने में होगा, क्या वैल्यू है तुम्हारे उस धन की? ऐसी ठीक अवस्था सिकंदर की जैसी अवस्था मूर्छित आदमी की होती है, असुर वृत्ति में जीने वाले आदमी की, राक्षसी वृत्ति में जीने वाले की।
सारे संसार को अपनी गोद में समेटना चाहता है और वो असली तत्व को भूल जाता है जो आनंद का खजाना है परमात्मा। अपने आप को भी भूल जाता है मूर्छित। मूर्छित को क्या पता मैं कौन हूं। तो उसकी मोह आशा, उसकी बड़ी बड़ी आशाएं होती हैं असुर की, राक्षस की, कि एक बिल्डिंग बनाई, दो बनाई, तीन बनाई, एक लंदन में, एक जर्मन में, अभी मैं जगह जगह बड़े से बड़े ताजमहल होटल बनाऊंगा, 5-स्टार होटल, फिर मैं ये करूंगा, सारी दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं हूं कलाकार, मेरे जैसा कोई नहीं। मोह आशा, व्यर्थ की आशाएं, मोह कर्माणो, व्यर्थ के कर्म, जिन कर्मों को करने से घृणा पैदा होती है, ऐसे कर्म करने लग जाता है। ये आशाओं को पूर्ण करने के लिए न जाने आदमी क्या क्या करता है। जीव को संतुष्ट करने के लिए तमाम जानवर खा के देखता है, ये कैसा लग, मुर्गा कैसा लगता है, तीतर कैसा लगता है, हिरण कैसा लगता है, खरगोश कैसा स्वाद है, हाथी में कैसा स्वाद है, गाय में कैसा स्वाद है, बंदर का में कैसा स्वाद है, कंगरू में कैसा स्वाद है। सारे मनुष्य के बच्चों को भी मनुष्य खा रहा है, छुपके छुपके सही, केसेज होते हैं, खा रहे हैं लोग। हो सकता है कि पॉपुलेशन ज्यादा बढ़े और पृथ्वी पे अन्न भी पैदा नहीं हो, कुछ अकाल पड़ जाए, जानवर खत्म हो जाए, तो मनुष्य क्या करेगा फिर? कमजोर मनुष्य को ताकतवर मार के खाएगा, यही करेगा। और ऐसी अवस्था आ सकती है यदि महायुद्ध नहीं हो तो। घृणित कर्म करता है, व्यर्थ के कर्म जिनको नहीं करना चाहिए, शुद्ध कर्म करना चाहिए। ये सुंदर शरीर मिला है मनुष्य का। मोह आशा, मोह कर्माणो, मोह ज्ञाना, व्यर्थ का ज्ञान कलेक्ट करता है, व्यर्थ का ज्ञान, जिस ज्ञान की जरूरत नहीं है। मोह आशा, मोह कर्माणो, मोह ज्ञाना, विचेतसा, मूर्छित अवस्था में सारे काम होते हैं। जब आदमी अनकॉन्शियसली अपने जीवन को जीता है तभी ये सब काम होते हैं, सारे व्यर्थ के काम होते हैं। व्यर्थ की आशा करता है, व्यर्थ के कर्म करता है, असुर की तरह, राक्षस की तरह। जैसे रावण के दिल में क्या था, स्वर्ग में सिद्धि चढ़ाने के लिए। अरे स्वर्ग में जो पूर्ण कर्म करके पहुंचता है वही पूर्ण खत्म होने पर नीचे गिर जाता है, फिर सीढ़ी चढ़ा के कोई जा सकता है भला? धुआं में नहीं निकलेगा, आग में से, आग में से धुआं नहीं निकलेगा, यह भी रावण ने प्रयास किया। अरे धुआं स्वभाव है आग का, आग में से स्मोक निकलता ही है, कैसे छुपाओगे? लेकिन व्यर्थ कर्मों में फंसा हुआ आदमी अपने सर काट काट के शिव जी को चढ़ाता है अजर अमर होने के लिए। अरे कोई भौतिक शरीर से अजर अमर हुआ है? अजर अमर ही होना है तो आपको वैकुंठ में जाना पड़ेगा, इटर्निटी में प्रवेश करना पड़ेगा। सर काटने से आप अजर अमर नहीं हो सकते।